भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज राज्य के शिक्षा मंत्री रोनोज पेगू के सम्मुख हाइलाकांडी में धरना प्रदर्शन किया। इस उपलक्ष्य में आज हाइलाकांडी में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कनकलाल देव ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से राज्य के शिक्षा मंत्री रोनोज पेगू को एक स्मारक पत्र दिया गया, जिसमें संगठन की ओर से कई मांगे रखी गईं। इनमें मातृभाषा बंगला को प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक नियमित शिक्षा प्रदान करना, हाइलाकांडी के एकमात्र महिला कॉलेज को सरकारी कॉलेज का दर्जा देना, असम विश्वविद्यालय के अधीन हर कॉलेज में भू विज्ञान विषय पर पाठ दान कराना, हाइलाका मंडेला कॉलेज के नियुक्ति प्रक्रिया में हुई धांधली की जांच कराना आदि शामिल है। छात्र नेता कनकलाल देव ने और भी कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री रोनोज पेगू ने गाड़ी से उतरकर खुद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के हाथ से स्मारक पत्र ग्रहण की और उनके मांगों को जल्द ही पूरी की जाएगी बोल के आश्वासन दिया। विस्तार से देखिए असम के हाइलाकांडी जिले से R9 भारत के जिले चीफ ब्यूरो सिप्रियन डायस की रिपोर्ट में। देखो विगत कैक बर्ष विद्यार्थी परिषद विभिन्न शैक्षिक समस्या नहीं आर आंदोलन कर विभिन्न विषय जमन एस एस कलेजर जो वाणिज्यिक विभाग से विभाग की एखो सरकारीकरण करना जार दरुण छात्र छात्री विभिन्न अनेक टाक खर्च कर पढ़ाशुना करते हो छाड़ा एक मुख्य उद्देश्य जेटी हमारे एक राष्ट्रीय शिक्षानीति से ही शिक्षानी देखी हमारा जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था और निजे मातृभाषा होते हो विषयटी के उपेक्षा कर আর আসামে যে সরকার সেই সরকার একটি নির্ণয় নিয়েছে যে প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে অঙ্ক এবং বিজ্ঞান বিষয়টি ইংরেজি মাধ্যমে করা হবে, তার প্রখর বিরোধিতা করে আজ আমরা একটি স্মারকপত্র মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দিয়েছি এবং বিগত দিনেও আমরা ক্যাম্পাসে সাইন ক্যাম্পেইনিংও আমরা করেছি যে প্রাথমিক শিক্ষা মাতৃভাষায় হতে হবে এই বিষয় নিয়ে। তাছাড়া আমাদের হাইলাকান্দি শহরে একমাত্র মহিলা কলেজ, যেটি বিভিন্ন অনেক পুরনো নিজের বিল্ডিং নিজের জায়গা থাকা সত্ত্বেও সেই কলেজটি এখন পর্যন্ত প্রভিন্সিয়ালাইজ হয়নি, छात्र विभिन्न समय। आज जो हाइलाकांडी में शिक्षा मंत्री जी आए हैं, आप लोगों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ओर से आप लोगों ने स्मारक पत्र दिया है, तो आप लोगों का मैंने दावा क्या है मंत्री जी के पास इसके बारे में हमारे आनंद भारत को पूरी तरह से आप जानकारी दीजिए। देखिए, पहले बहुत दिनों से विद्यार्थी परिषद समय समय पर छात्र हितों की मांगों को लेकर अपना आंदोलन या फिर मेमोरेंडम देना, समय समय पर छात्रों को लेकर समस्या को लेकर कैंपस में जाना, ऐसे विभिन्न विषय ব্যাপার দিয়ে